नीति आयोगक सह बसिथिबा राज्य सरकारक बैठक शेष ओडिसार उन्नति पई स्वतंत्र ब्लूप्रिंट करिब नीति आयोग बोली कहिसेंती नीति आयोग उपाध्यक्ष राजीव कुमार। तो वर्तमान नजर पकाइबा नीति आयोग उपाध्यक्षक प्रतिक्रिया उपरे। नमस्कार। हम लोग अभी एक बहुत अच्छी मीटिंग सुबह 11 बजे से हुई और अभी ख़त्म हुई है, तो उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उसमें हिस्सा लिया। हमारे नीति आयोग से हमारे डॉक्टर विनोद पॉल जो हेल्थ के मेंबर हैं और वो भी हमारे साथ थे, और हमारे साथ नीति आयोग से शायद 8 लोग आए हैं, दिल्ली से बहुत सीनियर लोग आए हैं। और जो हमारी जो बातचीत हुई वो इस बात पर हुई कैसे केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर उसके विकास में आगे बढ़ा सकती है और आगे उसमें मदद कर सकती है। तो हम लोगों ने कई मुद्दों पे बात करी और एक प्रेजेंटेशन हमारा जो है वो राज्य सरकार से हुआ, जिसमें उन्होंने वो सारे मुद्दे उठाए, सारे इश्यूज उठाए जिस पर उनको केंद्र सरकार से कुछ सहायता क्या है कहिए इस तरह से उसमें उनको संज्ञान में लाने के लिए उनको किया, और उसको हम लोग सब करेंगे और उसका फॉलो अप बहुत रेगुलरली नीति आयोग से होगा। और कई सारे केंद्रीय मंत्रालय ऑनलाइन जुड़े दिल्ली से, तो जो भी इश्यूज उठे कई एक का तो वहीं पर रेजोल्यूशन भी हो गया कि उन्होंने जवाब दिया कि क्या करना है, कैसे वो करना है। और इसलिए और उसके बाद नीति आयोग से एक प्रेजेंटेशन हुआ और उसमें हम लोगों ने बताया कि ये राज्य सरकार ने कितनी तरक्की करी है और कितना अच्छा उसका वो उसकी उसकी जो है वो परफॉर्मेंस रहा है। 2011 से 2020 तक उड़ीसा में जो पर कैपिटा इनकम में ग्रोथ हुई है, बढ़त हुई है, वो राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा हुई है, तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। और इसी तरह से उन्होंने बहुत बड़ा काम कुपोषण में भी बहुत अच्छा काम किया है बच्चों के साथ लेकर, तो वो सब चीज़ें बताती हैं। साथ में ये भी बताया कि विकास के दर को और बढ़ाने के लिए और गरीबी से लोगों को और उठाने के लिए और आकांक्षावादी ज़िलों में और बेहतरी करने के लिए क्या और कर सकते हैं, इस पर अच्छी बातचीत हुई है और बड़ा अच्छा समन्वय हमारा बन गया। एसटीजी यूनिट को लेकर परामर्श हुआ है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने PMU ऑलरेडी बना लिया है और उसको अब वो जो है वो डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल तक उसको लेके जाएंगे और उसकी मॉनिटरिंग करेंगे और उसका एक रेगुलर जो है वो माइंस पे बहुत बात हुई है। और ये बताया गया कि कितनी बड़ी राशि, कितनी बड़ी वेल्थ उड़ीसा के पास है। और एक हमारे एडवाइजर साहब ने कहा कि मतलब उड़ीसा तो इंडिया का पूरा एक ऑस्ट्रेलिया बन सकता है, जिससे कि उन्हें माइनिंग में और निवेश आए और ख़ासतौर से FDI आए, बाहर का निवेश आए, उस पर कैसे कुछ कदम उठाए जाएंगे उस पर भी बातचीत हो। बस ये बहुत अच्छा है। इसके अलावा और बस बाकी और ये चीज़ें अब हम लोग रेगुलरली करते रहेंगे।